हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंकी गर्ल व्लॉग्स एंड इट्स रिएक्शन टाइम। गाइस, एमसी इनसेन का गाना आज हम सुनने वाले हैं बहुत दिनों बाद, सच में बहुत दिनों बाद। उसके पहले अपन ने सुना था फॉरगिव मी, इसी मतलब इस एसएफएस के एल्बम से हमने सुना था लीव फॉरगिव मी। अब हम लीव मी सुनने वाले हैं क्योंकि आपकी कमेंट्स आए थे, तो हमने कहा चलिए। एमसी इनसेन के गाने हमें पता ही है, हार्ट टू हार्ट होते हैं, फील टू फील होते हैं, एंड इमोशंस एंड हार्ट ब्रेक्स एंड जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सब तो उसको हील करने के लिए गाने होते हैं। सच में ये गाने ऐसे होते हैं जो सोल को हिट कर जाए। मतलब आपके आप अगर इमोशनली हैं, फील करते हैं कोई चीज़ को ना, तो आप एमसी इनसेन के गाने सुनो। समथिंग लाइक आपको प्रॉपर हार्ट पे हिट करेंगे ना, और आप भाई फैन हो जाओ, जैसे हम लोग इनके फैन हो चुके हैं ऑब्वियसली। तो इसलिए इनके एक एक करके गाने हम सुनते जा रहे हैं। बहुत सारे गाने पहले सुने हुए हैं, लास्ट फॉरगिव मी सुना था, अब फिर से गाना और सुनते जा रहे हैं। तो इसके बारे में इन्होंने बताया है कि वही सेम चीज़, अगर कोई दिल से कोई चीज़ करता है, अपनी सोल की सुनता है, तो वो सोसाइटी के लिए फिट नहीं माना जाता है। मतलब सोसाइटी में उसको बोलते हैं कि यार ये तो पागल है, यार बावरा हो गया, पता नहीं क्या कर रहा है। ये तो होता है, ऐसा होता है काफ़ी बार। आप अपनी इच्छाओं को मार के कभी सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी चीज़ें, हाँ ये सबके साथ हुई है, सबके साथ है ना। तो इसी के ऊपर ये गाना है। पहले अपन गाना सुनेंगे, फिर इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। शरीर कैसा भी हो खुश रखो सोल को, बातें कैसी भी हो मुँह पे मेरे बोल दो। 27 क्लब जाना मुझे यंग है, होऊंगा नहीं ब्रोक जब तक कला मेरे संग। मेरी कविताएं पढ़ मेरे कवि भाई खुश, एक कविता ने छोड़ा तो मैं कवि बना खुद। मैंने कभी सोचा था ना कि ऐसा भी कभी होगा, कि जो अक्षरों से डरता आगे चल के कवि होगा। बजे 3 मैंने सुन लिए है बीट बहुत, खाना पीना लेता नहीं मैं लेने लगा वीट बहुत। हार या जीत का फैसला आज कठिन बहुत, हार या जीत हो जिंदा रहते जी लो। ढूंढा तुझे इस कदर, क्या रात था क्या दिन, आने वाली आफत को तू उंगलियों से गिन। जो गया वो आया नहीं है, लाइफ नहीं रिसाइकल बिल। देखे मैंने काफी, तुमसे ज्यादा नहीं थी कोई हसीन। कुछ सालों से तू सेम बनी पड़ी है, मेरे लाइफ का एक एम बनी पड़ी है। कोई न समझे तेरा आंखों से रिझाना, मैंने समझा और मैं बन गया दीवाना। टाइप करूँ लेकिन मैं करता नहीं सहन, तू मिली है खुद से न किसी की देन। सोचती तू होगी कब जाएगा इंसेन, सोल मेरा ले लो आज इस पे है सेल। कहता मैं उसको मैं बुरा इंसान, जो लगता तुझे तू वैसा न मान। कोई मेरे वेट में कब दूंगा मैं जान, आगे रखा मुझे मेरे पीछे शैतान। ये आत्मा नहीं चाहती है चमड़े का घर, खोलो दरवाजा या दे दो जहर। कब तक रखोगे यूं बंद करके मुझको, और कब तक चलाओगे तुम अपना कहर। चिल्लाया मैंने काफी, तूने ना सुनी है मेरी, तुझे दिखे मेरी लाश लेकिन ना सुनी है तेरी। क्यों कोमल से दिल को है पत्थर बनाया, क्यों दो पल के प्यार को है अमर बनाया। मंत्र है तू, तुझे पढ़ना जरूरी है, शत्रु है जो उससे लड़ना जरूरी। ऐसा क्या काम किया मैंने जीते जी यारा, जो लगा तुम्हें आज मेरा मरना जरूरी है। तू मिले तो लगे कोई ना मिली है, तू मिली जैसी लगा मुझे ऐसा कि तू बिल्कुल ही है मेरी जैसी। खुद से पहले रखा तुझे, इज्जत करता तेरी, तू फिर से मुझे टाल दे है किस बात की तेरी। जा रहा मैं दूर, थोड़ी मोहलत दे दो, मेरे दुश्मन को एक किस और मेरा दौलत दे दो। तुम्हें कौन समझाए मुझे प्यार किससे है, देखा आईने में जरा मुझे प्यार से है। इस दिल को तोड़ा जिसने, उसे कहते हो तुम गॉड। उसके बंदे करते नफरत मुझसे, कहते मुझे फ्रॉड। मैं मान नहीं सकता, रिश्ते जा चुके हैं सच में। किससे करूँ बातें, मेरे कोई भी नहीं है टच में। तूफान बन के बैठा मेरा दर्द इधर कब से, बदलते मौसमों की तरह तुम भी बदले जब से। अकेला ही सही भरोसा उठ चुका है लब से, है वादा मेरा तुमसे, तुम्हें दिखूंगा ना अब से। अब नाटक करो बंद करो कहना मिस यू। जब मैं बना इंसान तब तुम बने थे स्टैच्यू। इस जन्म में असफल एक जन्म मुझे और दे, पूरा मुझे ले ले या तो पूरा मुझे छोड़ दे। Leave me, मुझे छोड़ के तुम जा रहे हो तो भी जाओ ना। वापस आना भी नहीं, ये चेहरा फिर दिखाना भी नहीं। Leave me, दूर जाओ न पास आओ। Leave me, oh my god. oh so much deep. मैं तो एक्चुअली मैं स्टेबल हो गया था। वो नहीं बोलते कि आप एक तक चीज़ें देखने लग जाते हो और आपको पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है। सो मुझे बहुत चीज़ें तो ऐसा हुआ कि ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ उसी की आंखें देख रहा था। हाँ एक्चुअली मैं भी वीडियो में ना सिर्फ उसी को देख रही थी, क्योंकि मुझे उसके एक्सप्रेशंस में, उसके चेहरे पे, मतलब एक फेस होता है ना, और उसके फेस पे ये सॉन्ग के टाइम ऐसा लग रहा था कि रियल में वो जब सफ़र कर रहा था तब उसने ये शूट किया है। हाँ, क्योंकि फेस पे दिख रहा था कि हाउ मच स्ट्रेस ही इज, मतलब शॉक ही इज कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, माय सोल इज, माय लव इज डूइंग दिस। सच में मतलब यही बात सही कि मैं तो उसकी पूरे टाइम पूरे वीडियो में उसमें मैंने आंखें देखी है। गाना मेरे बैकग्राउंड में चल रहा था, ऐसा लग रहा था गाना कहीं बैकग्राउंड में चल रहा है। आप ऐसा नहीं होता कि आप कहीं खो जाते हो, मतलब आप उस दौर में घुस गए हो। जैसे मैं तो उस पूरे जो जगह चल रही थी जहाँ पे शूट हुआ था, मेरा माइंड पूरा का पूरा वहाँ चला गया था और मैं उस दौर में घूम गया था। तो गाना पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है एंड बस आई एम लिसनिंग इट एंड बस फीलिंग इट, ऐसा हो रहा था। नाइस। सबसे पहली चीज़ जो गाने की स्टार्टिंग होती है ना, फर्स्ट टाइम आया और वो एकदम तुम ऐसा म्यूजिक के साथ आया, वो वाह। एंड उसके बाद में जो सबसे पहली जो लाइन थी मेरे को पसंद आई थी कि कविता ने मुझे छोड़ा और मैं कवि बन गया और फिर मैं आगे सोचा ना था कि मैं ऐसा उसके लग मिल जाऊंगा एंड ऑल। एंड उसके बाद एक और लाइन भी बहुत अच्छी थी जहाँ पे वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो गया, उसने मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे छोड़ जाएगी ऐसा कुछ। हाँ, वो जो लाइंस थी तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। मतलब यार कैसे कर सकता है कोई इंसान इतना ज्यादा। एक्चुअली बहुत इमोशनल फील, या तो मुझे जैसा लग रहा है कि बहुत इमोशनल स्ट्रेस और फीलिंग से होते हुए गुजरा बंदा है, ठीक है, और तभी ये चीजें हो पाती है, ठीक, तभी मतलब ये कुछ कर पाएगा। क्योंकि जितना जो इतना इमोशन इतना स्ट्रेस से नहीं गया ना, वो गाने उस हिसाब से नहीं कर पाएगा यार, उतना नहीं कर पाएगा। कितना मतलब अंदर तक जाना पड़ेगा, कितना ही फील लेगा यार उस चीज़ का, कि मतलब जब तक आपके साथ नहीं हुआ होता है तब तक आप नहीं समझ सकते उस चीज़ को। अब देखो ना, जैसे इसने बताया कि उसकी लव स्टोरी में जब कैसे वो फेक करती थी। हाँ, लड़की जब फेक करती थी कि हाँ अरे हाँ मतलब ठीक है आई लव यू टू, और फिर जब उसको पता चला कि अब बस कर, मुझे पता चल गया कि यू आर फेकिंग, यू आर सेइंग फॉर अ सेक, यू आर सेइंग आई मिस यू एंड ऑल, लेकिन वो एंड ही नहीं होता। तो कितना बुरा लगता है वो चीज़ पे भी, मतलब ये सारी चीज़ें एक किसी के लिए फील कर पाना, और उसको जब ये पता होना कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है, सामने वाला आपको बता रहा है कि वो जाना चाहता है, वो किसी और में भी, वो किसी और को भी डेट कर रहा है, वो प्लस आपको भी डेट कर रहा है, पर आपको बोल तो भाई तो पैसे ले ले कुछ भी कर ले पर मुझे छोड़ दे। और इसमें बेस्ट पार्ट था जब वो अपनी सोल के बारे में डिस्कस कर रहा था कि भाई सोल चमड़ा नहीं चाहती है, ये चमड़े की बॉडी नहीं चाहती है, सोल फ्री होना चाहती है, उड़ना चाहती है, मतलब बंदी नहीं रहना है उसको, जो फ्री रहना है, फ्री एनवायरमेंट में रहना है वो चाहती है। और वो एक्चुअली हर एक के साथ ही होता है, हर एक यही चाहता है कि पर हम लोग क्या सोशल अवेयरनेस में, सोशल गैदरिंग में रहते हैं ना यार, अरे चार लोग क्या कहेंगे, लोगों के दबाव से हम फ्री नहीं हो पाते, सोसाइटी के प्रेशर में रहते हैं, जो मैं एग्जैक्टली वर्ड जो बोलने वाला था, सोसाइटी के प्रेशर में रहते हैं। अरे तुम्हारे पास ये नहीं है, ओहो तुम सोसाइटी के काबिल नहीं हो, ये अरे ये नहीं तुम्हारे पास, तुम सोसाइटी में कैसे जाओगे, लाइक समथिंग लाइक दैट। और जो ये चीज़ें छोड़ के, मैं कहना चाह रहा हूँ, जो ये चीज़ें छोड़ के चला जाता है ना, वो सोसाइटी में सबसे ऊपर चला जाता है। मतलब लोग पे उसी की सुनते हैं। हाँ, मतलब एक टाइम का स्ट्रगल होता है जब आप लोगों को समझा नहीं पाते हो। ये तो आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि एक टाइम होता है जब आप हर किसी से परेशान हो जाते हो। आप बोलते हो मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, मुझे ये करना है, पर सब लोग कहते हैं नहीं ये कैसे कर पाओगे, तुम्हारे तो बस की नहीं है, इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर कर लो, इस लड़की से प्यार मत करो, ये लड़की कैसे तुम्हारी लाइफ में आ गई, ये लड़का कैसे आ गया। तो इतने सारे बर्डन आते हैं। बट हाँ, MC Insane का सही कह रहा है कि हर कोई MC Insane कहता है कि सोल को मत बांधो, क्योंकि आप इंस्ट्रक्टर में आपको पता भी नहीं चलता आपका सोल कब रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। वो अपना फ्रीडम नहीं सोच पाता, वो अपनी लाइफ ढंग से नहीं सोच पाता। और एक टाइम बाद वो इस टाइप की चीज़ों में, जैसे इसने बताया वीट पीते रहता था पूरा टाइम, मुझे समझ नहीं आता, खाना भूल गया था, मुझे पता ही नहीं चलता ना टाइम क्या हो रहा है। मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता था। तो ऐसा किसी के साथ ना हो, क्योंकि ये लाइफ बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक ही लाइफ है यार। उनसे बोलते हैं ना एक ही लाइफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये सब चीज़ सबको पता है, मतलब हम लोग बताएंगे तो आप बोलोगे अरे यार मत बताया करो, फाइन। तो हम लोग तो सिर्फ MC Insane के बारे में बताते हैं। बहुत सही म्यूज़िक और लोकेशन, तो एक ही जगह पे लोकेशन पे शूट हुआ था, पर शूट अच्छा था, बहुत अच्छे से। जो फीलिंग्स जहाँ थी ना बंदे की, वहाँ फीलिंग्स आती गई, स्पेशली आई एक्सप्रेशंस बहुत सही था, बहुत सही था। तो नाइस वन, मतलब फुल ऑन मजा आ गया गाना। और ये जो 1 मिलियन इसके भी हमने जस्ट मैंने देखा है, इसके व्यूज जो 1 मिलियन गए हुए हैं, सो ही डिजर्व दैट वन। और मुझे लगता है कि ये गाना और ऊपर जाना चाहिए। तो इसके लिए ना हम ही हैं, आप हैं, हम हैं जो इसको और आगे तक पहुँचाएंगे। मतलब तो आप शेयर करो, हमारे रिएक्शन शेयर करना है, इनके गाने शेयर करना है, कुछ भी, पर शेयर करो, लोगों को पहुंचाओ चीज़ें। और जो लोग ऐसे आपको पता है कि आपके कम्युनिटी में आपके आसपास जो डिप्रेस है, उनको ये बताओ कि भाई देखो ये बंदे ने भी कितना स्ट्रगल किया, आज ये कहाँ पहुँच गया है ना। तो लोगों का थोड़ा डिप्रेशन कम हो जाएगा। देखो अब फेस्टिवल आ रहा है, हम हेल्प कर सके तो हेल्प कर देना चाहिए। तो इसी साथ MC Insane के लिए बहुत सारा प्यार एंड लॉट्स ऑफ लव।